नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर जो सुरनकोट से सामने आ रही है, जहां पर कुछ मिलिटेंट्स और आर्मी फोर्सेस की बात करें, उनके बीच जो है एनकाउंटर शुरू हो गया था। और वहीं जो अपडेट सामने आ रही है कि इस दौरान जो है एक जेसीओ की बात करें और वहीं चार सोल्जर्स की बात करें तो वो जो है इस एनकाउंटर के दौरान जो है शहीद हो गए। क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? जमशेद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहूंगी क्या अपडेट जो है सामने आ रहा है। जिसमें बिल्कुल ये चंबेज इलाका है सुरनकोट का, जहाँ पे आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन एकदम एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एनकाउंटर में पहले एक जेसीओ में चार जी जवानों के जख्मी होने की खबर सामने आई थी और अब एक खबर आ रही है कि पांचों के पांचों जो एक जेसीओ और चार जवान शहीद हो चुके हैं। और इनकाउंटर का सिलसिला इस वक्त भी चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की इनपुट सामने आ रही थी कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंटों की मूवमेंट है, उसको देखते हुए ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। जी बिल्कुल जमशेद, अगर बात करें तो कितने आतंकियों की वहां आशंका जो है जताई जा रही है? जैसे 3 से 4 मिलिटेंटों के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक जो खबर आ रही है कि 3 से 4 मिलिटेंटों का एक ग्रुप है जो ड्राफ्ट किया गया था, जिसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। बिल्कुल। और जमशेद, अगर उस इलाके की बात करें तो ये जंगली है या आसपास कोई रिहायशी इलाका भी है? इसमें ये बिल्कुल जंगल का इलाका है जहाँ पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ है इस वक्त, और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त की एक दुखद खबर हम कह सकते हैं कि इस एनकाउंटर के दौरान जो है पांच, अगर बात करें जिसमें से एक जेसीओ और चार आर्मी जवानों की बात करें, तो वो शहीद हो गए हैं इस एनकाउंटर के दौरान। हालांकि बताया जा रहा है पहले वो जख्मी थे, पर फिलहाल बड़ा अपडेट जो इसमें सामने आ रहा है कि पांच लोग जो हैं इसमें शहीद हो गए हैं। वहीं 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है बताई जा रही है। पर फिलहाल लगातार जो है अगर बात करें फायर जो है दोनों तरफ से लगातार इस वक्त एनकाउंटर जो है सुरनकोट के उन जंगलों में जो है लगातार चल रहा है। फिलहाल बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है सुरनकोट इलाके की बात करें, जहां पर कुछ मिलिटेंट्स और के बीच और आर्मियों की बात करें तो उनके बीच लगातार जो है फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें जो है आतंकियों की वहां मौजूदगी की सूचना जो है वो मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया था। और फिलहाल एक बड़ी जानकारी जो बहुत दुखद भी है कि पांच लोग जो है इसमें शहीद हो गए, जिसमें एक जेसीओ और तमाम चार जो है आर्मी जवानों की बात करें तो इस एनकाउंटर के दौरान जो है शहीद हो गए। पर फिलहाल लगातार गोलाबारी की बात करें तो दोनों तरफ से इस वक्त फायर जो है दोनों तरफ से लगातार जो है इस वक्त चल रहा है। पर फिलहाल एक जेसीओ और चार जवानों की बात करें तो वो इसमें शहीद जो है बताए जा रहे हैं। और फिलहाल अभी भी लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला जो है लगातार इस वक्त जारी है। तमाम जो व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, आपको बता दो इस वक्त का बड़ा अपडेट जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रहा है, जहां पर सुरनकोट के जंगलों की बात करें तो वहां पर आतंकियों और जवानों के बीच लगातार जो है गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है। एनकाउंटर वहां पर चल रहा है और इस दौरान बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों की जो है छुपे होने की आशंका जो है बताई जा रही थी। और कल रात से ही इनपुट जो है वो मिले थे, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। और उसके बाद आज सुबह से ही ये सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो इस एनकाउंटर के हवाले से आ रही वो यही आ रही है कि इसमें पांच लोगों की बात करें, एक जेसीओ और चार जवान जो हैं इस एनकाउंटर के दौरान जो हैं शहीद हो गए हैं। और वहीं फिलहाल अभी भी लगातार सुरनकोट के इन घने जंगलों में लगातार अभी भी एनकाउंटर लगातार जारी है। फिलहाल यही अपडेट जो है एनकाउंटर के हवाले से सामने आ रहा है। क्या कुछ अपडेट और सामने आएगा जरूर जेके न्यूज पॉइंट आपको बताएगा। पर फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि इस एनकाउंटर के दौरान फिलहाल अभी तक पांच लोग जो हैं शहीद हो गए हैं। और वहीं अभी भी 3 से 4 आतंकियों की वहां पर मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है। और दोनों तरफ से जो है फिलहाल वहां पर गोलाबारी का सिलसिला जो है लगातार अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट पे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।